राइनोप्लास्टी होता कैसे है प्रोसीजर? मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर। राइनोप्लास्टी प्रोसीजर की दो अप्रोचेज होती हैं, एक होती है ओपन अप्रोच या फिर एक्सटर्नल अप्रोच एंड दूसरी क्लोज अप्रोच या इंटरनल अप्रोच। ओपन अप्रोच के अंदर एक छोटा सा इंसीजन यहाँ नोज पे लगाया जाता है हिडन एरिया ऑफ नोज में और नोज का जो स्किन एनवलप है उसे रेज करके उसके बाद में इस नोज को रिस्ट्रक्चर किया जाता है। नोज अगर छोटा है तो उसके अंदर टिश्यू ऐड किया जाता है और नोज अगर बड़ा है तो उसमें से टिश्यू रिमूव किया जाता है। क्लोज्ड अप्रोच या इंटरनल अप्रोच के अंदर जो इंसिजन लगता है या जो कट लगता है वो नोज में अंदर की तरफ लगता है और उससे ही सारा जो प्रोसीजर है वो किया जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो क्लोज राइनोप्लास्टी है उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, वो कुछ प्रोसीजर्स जो होते हैं नोज़ के उनमें हेल्पफुल नहीं होती है, उन केसेस में एक्सटर्नल अप्रोच या ओपन अप्रोच ही एडवाइजेबल होती है पेशेंट को राइनोप्लास्टी के लिए। राइनोप्लास्टी सर्जिकल एज वेल एज नॉन सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करते रहिए। राइनोप्लास्टी से संबंधित आपके पास यदि किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने का। थैंक यू।